की गाड़ी पर हम चलते थे, उसके पास एक मारुति बैन गाड़ी चलती थी सिलेंडर से, गैस से वो गाड़ी थी, बगल से गेट खोलते थे सड़क कर। हमारी पूरी मंडली गाने बजाने वाली, वो बैठे हम बैठे, 3 बजे से कथा थी और 2 बजे हम लोग चले। 1.5 घंटे की रास्ता, तो हमने ड्राइवर से कहा भाई थोड़ा तेज चलाइए ताकि जल्दी पहुंच जाए। और तेज चलाने के 2 ही फायदा होते हैं, या तो जल्दी मंजिल मिलती है या अस्पताल जल्दी मिलता है, तो फायदे होते। हमने कहा भाई मंजिल जाना है इसे थोड़ा तेज चलाइए। बोलो जय सियाराम। ड्राइवर ने तेज चलाई गाड़ी, बड़े ध्यान से सुनना, बात तो बहुत साधारण पर समझ की बात। गाड़ी बहुत तेज चलाई, इधर से हम चले, आगे एक रेलवे ट्रैक था, रेलवे ट्रैक था, इधर से हमारी गाड़ी 80-90 में एकदम कंपन हो रही, मारुति गाड़ी, छोटी गाड़ी कप रही बेचारी, जैसे वाइब्रेशन हो गया हो, जुकाम हो गया हो, ऊंचे लेवल का बुखार हो गया, बेचारी कप रही, फिर भी 80 की स्पीड में दौड़ी जा रही। हमने कहा जय बजरंग बली। अब गाड़ी चली गड़े, इधर से हम आगे था रेलवे ट्रैक, उधर से एक ट्रेन 360 की स्पीड में चली जा रही, सामने से ट्रेन, उसे भी निकलना था हमें भी निकलना था, और किस्मत की बात के दोनों एक ही टाइम पर। हमने कहा हे हनुमान जी अगर ब्रेक लगा, ड्राइवर भी सोच रहा था कि ब्रेक लगेंगे तो पलट के मरेंगे और नहीं लगेगा तो झंझट खत्म। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, उधर से ट्रेन आई, इधर से गाड़ी आई, हम भी निकल गए, ट्रेन भी निकल गई, किसी को एक खरोंच नहीं आई। रुको 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 रुको, पूछो कैसे, क्योंकि पुल के नीचे से निकले थे। पूछो कैसे, क्योंकि पुल के नीचे से निकले थे, हम भी निकल गए, ट्रेन भी निकल गई,